नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ हाजिर हूं बड़ी खबर के साथ, जहां आपको अवगत करवाऊंगा इस बारिश के मौसम में लगातार घर गिरते या धंसते जा रहे हैं। दीवार गिरने की वजह से कई लोगों को चोट भी आ जाती है और कई लोगों की मौत भी हो रही है। इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी हैं जो डरे हुए हैं कि आखिर में रात को हमारे घर में पानी ना घुस जाए, और अगर पानी घुस गया तो हम कहाँ जाएंगे। कई ग्राम पंचायत में सरपंच को लेकर के शिकायत करना कि यहाँ पर पानी भरा हो, इस पानी को आप निकलवाइए या फिर कोई ऐसा सूत्र बनाइए कि पानी ये बहकर कहीं और चला जाए, वरना मेरा मकान जो है ध्वस्त हो जाएगा। यहां तक कि अगर बात की जाए तो पानी पीने योग्य कुएं का पानी तक नहीं रह जाता है, जबकि सामने वाला कुएं को खुदवा के और उसको फिल्टर करवाता है, ढक के रखा हुआ है, इसके बावजूद भी उसके कुएं का पानी अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आपको बताना चलूं कि यह मामला कहीं और का नहीं, यह सीधी जिले के एक ऐसे क्षेत्र का है जहां कहा जा सकता है कि यह रामपुर नायकी विकास खंड और साथ में अगर बात की जाए तो धनहा खड्डी के पास धनहा गांव है, जहां पर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि हमारे घर के बगल में पानी भरा हुआ है। इस पानी की वजह से हमारे घर की जो हालत है तो पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही कि साफ सुथरा हम पानी पी सकें। इतना ही नहीं है, ये पानी जैसे ही जोरदार बारिश होती है तो रोड पार करके हमारे घर में घुस जाता है, जिसकी वजह से मेरा मकान कभी भी गिर सकता है, जिसकी वजह से हम लोग बेघर हो जाएंगे। यहां तक कि उनके द्वारा लगातार सरपंच से बात की गई, जिला कलेक्टर महोदय को, और यहां तक कि 181 पर कॉल करके सीएम को भी शिकायत की गई कि हमारा घर गिर जाएगा, हम बेघर हो जाएंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब तक इस पूरे मामले पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। यहां तक कि सरपंच भी गए कई बार वहां पर मौके वारदात पर देखते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि उनका भी कहना यह है कि अतिक्रमण कर रखा है कुछ लोगों ने, जिसके चलते हम रोड के किनारे नाली नहीं बनवा पा रहे हैं, जिसके कारण यह पानी भरा हुआ है। लेकिन आखिर में क्या कहना है उन परिजनों का, उन क्षेत्र के जो निवासी हैं उनका क्या कहना है, इस पूरे मामले पर हम भी जानकारी हमने जुटाया। देखिए आखिर में क्या उनके आरोप हैं। अरविंद कुमार अवस्थी, क्या हुआ? ये पानी ना भरा हुआ है खेत में, हमारे कुआं का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, कुआं हमारी भसक गई है, और ये पानी जो है तो परसों की बारिश जो हुई है तो यहाँ से पानी जा रहा था, एकदम से इतना गुठुआ भर पानी जा रहा था। नाली यहाँ से पहले थी, नाली अब भट गई है, मिट्टी डल गई है, ये पानी की वजह से हमको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। घर के अंदर पानी घुस रहा है, कुआं पूरी ख़राब हो गई है, पीने योग्य पानी नहीं है। अगर वो पानी में हम नहा भी लेते हैं तो पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। पानी पूरी तरीके से ख़राब है? पूरे तरीके से ख़राब है। ये मिट्टी क्यों डाली है? मिट्टी ये अपने ज़मीन के उसमें से डाले हैं, बाकी नाली यहीं से थी, नाली अब पैक हो गई है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है और हमारे घर के अंदर जा रहा है, कुआं में भी जा रहा है, हमको बहुत ज़्यादा कष्ट है। यहाँ सरपंच साहब को भी बताया गया, सरपंच साहब पिछले साल बताए थे आके देखे हैं, कुछ बोले नहीं, इस साल बोले कि आके देख लीजिए, तो सरपंच साहब आने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं बोला गया, हमने बोला कि पानी भरा है, कुआं हमारी भसक गई है, आके देख लीजिए आप क्या बोलते हैं, तो कुछ नहीं बोले कि ठीक है आके देख लेंगे, आए भी नहीं अभी तक। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये नाली जैसे पहले थी उसी तरीके से नाली बनाई जाए और पानी यहाँ से निकाला जाए, हमारी कुआं जो है तो ख़राब ना हो। नाम आपका? रविंद्र कुमार अवस्थी। उम्र 30 साल। पिता? भारत लाल अवस्थी। कौन सा गाँव? ग्राम धनहा, पोस्ट धनहा, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। थाना कौन सा लगता है? थाना चौकी खड्डी लगती है, थाना रामपुर नेकिन। हाँ, गांव में धनहा ग्राम आइया, यहाँ अवस्थी जी के घर में रात के 11 बजे पानी सकान, कुआं में पानी भरिया, पानी पिए लायक नहीं आए, और ये गार्ड करा दी नहीं, पानी कर यहाँ भर लगा है, पूरा नाली भट गया है, तो शासन से रिक्वेस्ट है कि ये नाली बलवा दी जाए, ताकि इनका रहे रात के घर में पानी ना घुसे और कुआं के पानी पिए लायक पानी इनकर हो जाए, यह शासन से रिक्वेस्ट है हमार। हम पड़ोस में हमारा घर है, जस्ट बगल में हमारे भीतरी पानी रिसत है, क्योंकि रोड थोड़ा ऊँची है, पर अंदर पानी रिसत है, तो रिसत है, तब कादो कीच में रह गई थी। धन्यवाद। नाम SP मिश्रा, ग्राम पोस्ट धनहा, थाना चौकी खड्डी, जिला सीधी। इस पूरे मामले पर यह भी कहा जा सकता है कि ना ही शिकायत पर कोई कार्यवाही हो रही है, ना ही सरपंच इस पर कोई एक्शन ले पा रहे हैं, तो आखिर में ये क्या परिवार की अगर बात की जाए तो ये क्या परिवार जो है ये बेघर होना चाहता है।
नहीं, परिवार तो बेघर होने की बात ही नहीं करता, वो तो सिर्फ ये चाह रहा है कि हमारा किसी तरीके से निराकरण हो जाए, लेकिन इस निराकरण को लेकर के अब तक कोई भी एक्शन नहीं देखा जा रहा है। ये लगभग मामला जो है 2 सालों से बना हुआ है, जहां लगातार कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके और उस अतिक्रमण को लेकर के अगर बात की जाए तो पानी भरने का चांसेस जो बना हुआ है वो पानी सिर्फ अतिक्रमण के वजह से भरा हुआ है, लेकिन अतिक्रमण मुक्त नहीं करवा पा रहे हैं ग्राम पंचायत के सरपंच और ना ही कोई अन्य व्यक्ति, जिसके चलते ये मामला बना हुआ है कि आने वाले वक्त या टाइम का इंतजार शायद कुछ लोग कर रहे हैं कि आखिर में इनका मकान गिरकर ध्वस्त हो जाए या फिर ठीक तरीके से ना जी खा सकें। ये कहीं ना कहीं आमजन की एक समस्या होती है और कुछ लोगों की मानसिकता भी होती है। इस पर क्या कहना आपका जरूर बताइएगा। अब देखना यही होगा कि इस खबर के बाद भी इस पर कोई एक्शन होता है या नहीं, बाकी में नाली का निर्माण हो पाता है या नहीं, या इनका घर आखिर में गिराने का ही मूड बना रखा है। लगातार बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए, तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता सबसे अच्छा आवासी प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8787859887। धन्यवाद।